है पीएम सारा काम कर दे। हाँ जी सर, देखो बोल सर भी रहे हैं पीएम भर्तियां सर। निकाल हाँ जी देगा और हम इंजीनियर भर्तियों में होंगे शामिल, तो कहीं ना कहीं आपका रोल है। चलिए सब जगह सर का ही रोल है। जी, 1 मिनट जरा शांति ले लीजिए। थर्ड सर क्लास आप मेरे शिफ्ट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो? शांत रहो आप। अब बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। आज की क्लास में बेटा हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे मेरे साथ ना, आपको लिखते जाना है क्योंकि आज का मैंने आप लोगों को बोला था ना बेटा कि पीरियोडिक फंक्शन में छोड़ रहा हूं, तो मेरा एक फंडा होता है कि मैं वो कॉन्सेप्ट के साथ में लेके चलता हूं कि जिस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं उठा लिया इंडेक्स देख लिया और पढ़ा दिया लाइन से, ना रैंडम पढ़ाऊंगा, कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, सीख जाओगे आप लोग। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे प्ले विथ ग्राफ, प्ले विथ ग्राफ, ये है आज का हेडिंग। और ट्रांसफॉर्मेशन सीखते जाओ सर, ये कितना काम में आएगा देश के, जितना आप काम में आओगे ना बेटा ये भी उतना ही काम में आएगा आपकी जिंदगी में, ठीक है? तो आप समझ लो कि आप देश के कितने काम आने वाले हो। ठीक है सर जी, फिर तो हम बहुत काम में आएंगे, तो ये भी बहुत काम में आएगा, नो डाउट। नहीं सर, सुबह रोना लगाते हैं देश की, जैसे कौन करेगा। टोटल के टोटल बेटू होते हैं 28 ट्रांसफॉर्मेशंस, तो मैं 28 ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता हूँ बच्चे लोगों को सिर्फ ग्राफ का। लेकिन बात ये है कि इसमें कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस ना मतलब अभी आपके काम के नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे जरूरत होगा मैं वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन बता ट्रांसफॉर्मेशन दूंगा। मतलब फिलहाल बदलाव, चेंज। यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखे हैं कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, हाउ टू गेन थ्री नहीं सिक्स नहीं एब्स बिल्कुल इन भी 3 मंथ, नहीं देखा आपने? देखो नहीं फिर सर, एक दिन आप बिल्कुल बॉडी, सर, फिर आप एक दिन उससे कुछ नहीं जाओगे। होने वाला। लो जी, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा लोग, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 लिखेंगे T1, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a, और मैं T1 एंड T2 दोनों साथ में बता रहा हूं आपको। सो प्लस और माइनस दोनों साथ में सीखिए। फिलहाल ये ट्रांसफॉर्मेशन बेटा मैं आप लोगों को सिखा दिया हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस सिंपल ये समझ जाओ कि ट्रांसफॉर्मेशन में सर होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन में होता है बेटा कि हम फंक्शन के ग्राफ को बनाते हैं, हम फंक्शन के ग्राफ को बनाते हैं। मान लो कि फंक्शन का ग्राफ है ये, मैं बस मान लिया, करने की बारी आएगी तो बेटा इसको ए यूनिट ऊपर कर देंगे, और जब माइनस ए करने की बारी आएगी तो हम ए यूनिट नीचे कर देंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये सिखाता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ येलो, इन इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑरेंज वाला थोड़ा सा ग्राफ है वो एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ है, एंड व्हाइट वाला ग्राफ है बेटा वो है एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ। बिल्कुल जी सर, समझ गया। अब बेटू बात ये है ना कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम जब ग्राफ बना रहे हैं तो हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, फंक्शन जो है उसका ग्राफ बना रहे हैं हम। 1 मिनट, मान लो कि सर मुझे ग्राफ ये बनाने को आ गया, देखते जाइएगा। वैसे मैं ये सारी चीज बता चुका हूं लेकिन फिर भी मान लो बेटू आपको बोला गया वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 4 का ग्राफ बनाइए, तो मैं सबसे पहले कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा बेटा? वाई इज इक्वल टू फंक्शन, ये पूरी एक्सप्रेशन में फंक्शन कौन सा है? मॉडुलस फंक्शन। तो मैं सबसे पहले मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, फिर मैं क्या अप्लाई करूंगा बेटा? वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 4 का, और मॉड एक्स का ग्राफ में 4 यूनिट आप ऊपर कर दोगे तो मॉड एक्स प्लस 4 बन जाएगा। 1 मिनट, क्या सर आप ये बोल रहे हैं कि मॉड का ग्राफ ये होता है कौन सा शेप? वी शेप। सर एंड ग्राफ कैसा होता है बच्चा लोग? ऐसा होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा होता है। अब क्योंकि बेटा प्लस 4 करने की बारी आ रही है, तो प्लस 4 में क्या कर देंगे, जो ग्राफ 0 को टच करके जा रहा था अब वो 4 से जाएगा, है ना? तो ये इस ग्राफ को 4 यूनिट आप ऊपर कर दीजिए, हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि ये वाला पॉइंट बताओ, तो ये पॉइंट तो ओरिजिन पे है लेकिन ऊपर वाला पॉइंट कहाँ पे गया बेटा? 0,4 पे। ये 4 यूनिट ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा जी सर, अगर माइनस होता बेटा यही पे मैं आपसे बोल देता कि मुझे मॉड एक्स माइनस 4 का ग्राफ बताइए, तो अब बस वही मॉड एक्स ग्राफ को 4 यूनिट नीचे खींच देते और आंसर आ जाता।
एक मिनट, क्या सर आप ये बोल रहे हो कि ग्राफ ये माइनस चार से चला जाएगा? बिल्कुल, ये ग्राफ माइनस चार से जाएगा। तो अब नीचे वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा? लोग 0, -4। अब ऐसा कर करके आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस का 4, तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चा लोग? वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स का। उसके बाद किसका ग्राफ बनाएंगे? वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 4 का। अब आपको मालूम है सर ई पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? वही पुष्पा, पुष्पा को देखे हो ऐसा करता है, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ग्राफ से वो सिखा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। तो देखो ई पावर एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही होता है सर, ग्राफ भी नहीं झुकेगा। नहीं, ग्राफ भी नहीं झुकेगा, ये तो पुष्पा है हमारा। देखो ग्राफ भी ऐसा करता है ना सर, मतलब पावर झुकेगी नहीं। फील नहीं आ रही ना, तो पुष्पा जी से हाथ करके देखो, ऐसा सेम ग्राफ बनेगा। आ गई सर फील। आ गई फील सर, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही कर रही थी ग्राफ कर। तो ये रहा बेटा ई पावर एक्स का ग्राफ। अब आपसे कोई बोले कि भैया ये बताओ जरा ये कौन सा पॉइंट है, तो बोला कि सर 0, 1 है। e power x, y x इसको 1 पे कट करके जाता है। अब मुझे ये बताओ बेटू कि अगर इस ग्राफ को 4 यूनिट ऊपर कर दो तो कहां पे टच करके जाएगा? 0.5। अब जितने बच्चों को 4 ऐड करने नहीं आ रहा है, वो सारे बच्चे क्या करेंगे? अपने घर में जाएंगे, छोटे से बच्चे को, छोटे भाई को बुलाएंगे और बोलेंगे बेटा एक बात बता, 1 और 4 ऐड करके बता। वो भी बहुत इज्जत से बताएगा, दीदी भैया सुनो, 1 उंगली और 4 उंगली निकालो और गिन की दिखाओ। अब गिन लोगे तो ये हो गया 0.5। समझ गए ना सर? नहीं समझे, हम नहीं समझे। तो एक काम करो, आप खुद बताओ ना बेटा कि कितना, कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, खुद सोचो। आप मुझे फंक्शन बताओ, मैं आपको फंक्शन बताऊंगा। सर एक काम कीजिए ना, बचपन में ना एक बहुत गंदा सा ग्राफ हम लोगों ने देखा सर, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 3 बताओ, इसका ग्राफ बताओ सर, इसका ग्राफ बनाना है। ट्राई कीजिए बेटा जल्दी से, एवरीवन विल ट्राई दिस, लवकर करा, लवकर जल्दी। अगर किसी को फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ नहीं याद आ रहा है, हो गया वेरी गुड। कैसा ग्राफ बनता था बेटा? सर ये रहा 1, ये लाइन, और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा बनता था? बस 0 और 1 के बीच में स्लैंटिंग लाइन। वेरी गुड, इनके बारे में इतनी कहानी बता चुका हूं बेटा कि अगर आप किसी के सामने बोलोगे जितनी कहानी मैं बताया हूं, तो पक्का वो आपको दादा दादी बोलेंगे, क्योंकि वही लोग इतना कहानी बोलते हैं ना, मैं भी इतना सुना दिया हूं आप लोगों को। तो ये ग्राफ ऐसा होता है, और इस ग्राफ में खास बात क्या होती है बेटा कि जिंदगी में कभी 1 टच किया नहीं इसने, जिंदगी में नहीं किया है। तो आप जबरदस्ती 1 टच मत करा देना। लो सर हम ठहरे 1 नंबर के जादूगर इंसान, 1 को टच करा दिया। अरे नहीं, मैथ्स है, मैजिक नहीं, लॉजिक चलता है। अब इसको कितना यूनिट ऊपर करना है बेटू? 3 यूनिट। तो जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, अब वो कौन से लाइन को टच करेगा? एक्स एक्सिस मतलब वाई 0 पे टच कर रहा था, अब वो कहां पे टच करेगा? थर्ड वाली लाइन। बिल्कुल जी, सही जवाब। तो ये मान लेता हूं कि सर वाई इक्वल टू 3 वाला लाइन है। और बेटू मुझे ये बताओ कि कौन से लाइन को टच नहीं करेगा? 3 है ना, फोर्थ वाली लाइन। देखो ये 0 वाला ऊपर वाला है, तो ये 3 वाला बनाओगे, ऊपर कौन सा लाइन बनेगा? 4 वाला। तो जब 0 से गया, 1 को टच नहीं किया, तो 3 पे जाएगा, 4 को टच नहीं करेगा। फिल आई कि नहीं आई? लो आ गई सर। नाटा, तो क्या मैं ये समझूं कि वो शहर में लोग नहीं है, शहर के सारे लोग सो रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, आप जागे हुए हैं, कृपया जगे रहें, निद्रा क्लास वाले तो जागे, सारे बच्चे जगे रहेंगे, जागते रहो जागते रहो।
जो जागत है सो पावत है, बोल देते हैं ना वरना बच्चे सो भी सकते हैं। सुने हो कि नहीं, जो जागत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सुने हो ना, उठ जाग मुसा सोवत है और हुआ अब रैन कहा जो सोवत है। एनीवे बेटा ग्राफ समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया जरा मुझे ये ग्राफ बताओ, तो बोला सर देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है एंड ये पिंक वाला जो ग्राफ है ये है फ्रैक्शनल एक्स प्लस का थ्री का। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर दिस वन इज लाइन ऑफ वाई इक्वल टू थ्री एंड ब्लू वाला लाइन हो जाएगा, अरे देवा, वाई इक्वल टू वन का एंड ये वाला लाइन हो जाएगा बेटा वाई इक्वल टू थ्री का एंड पिंक वाला लाइन हो जाएगा वाई इक्वल टू फोर का। समझ गए जी? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए, पिंक वाला नहीं येलो वाला। तो ये प्लस और माइनस का गेम होता है। अगर मैं बेटा माइनस थ्री कर देता तो ये जीरो को था, अब वो माइनस थ्री पे चला गया रहता। बात समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर समझ गए। तो मैंने आपको दो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया, कौन सा सिखाया बेटा कि फंक्शन में प्लस करोगे तो क्या होगा और फंक्शन में माइनस करोगे तो क्या होगा। इनका छोटा भाई का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन है, जरा इनका डब्बे में बंद करते जाएंगे तो मजा आएगा। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये था, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं बेटा टी टू एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए और x माइनस ए। दोनों में फर्क देखिए, वहां पे फंक्शन के बाद ऐड करते थे, हम इसमें x के अंदर ही ऐड कर दिए। बात समझ में आया बेटा? हाँ देखो ध्यान से समझो, अगर मैं इस ग्राफ में बेटा कुछ भी डालता हूं, से कि मैं इस मॉड में x के जगह पे माइनस टू डाला तो इस मॉड को मिलेगा माइनस टू, मॉड बनाएगा टू, मॉड बना देगा टू इसको और बाद में टू प्लस फोर सिक्स हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सर सबसे पहले तो मॉड के अंदर वाला चीज सॉल्व हो रहा है, प्लस फोर तो सर बाद में हो रहा है ना, लेकिन सर माइनस टू कहां से आया? हाँ जी माइनस टू कहां से आया? ये नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, रैंडम मान लो कोई वैल्यू आप पुट कर रहे हो ना, तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू सिक्स आ रहा है, लेकिन यहां पे देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन में देखिएगा आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन में सर क्या खास बात है, इसमें बेटा मैं इनपुट में ही अप्लाई कर दिया हूं एक्स प्लस माइनस ए, इनपुट में ही अप्लाई कर दिया हूं। तो सपोज करो बेटा सेम इक्वेशन लेता हूं, लेट्स से कि मुझे ड्रॉ करना है सर वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस फोर का ग्राफ, मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो पिछले वाले में क्या था कि मैं सबसे पहले किसका ग्राफ बनाता था बेटा y equal to mod x का, mod x ग्राफ को चार यूनिट ऊपर कर देते थे, लेकिन अब ये ग्राफ ऐसा x माइनस फोर पे जाएगा, माइनस फोर पे टच करके जाएगा। अब इस ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आप ये फंडा सीख सकते हैं कि मान लो सर, ध्यान से समझिएगा बेटा, सारे ग्राफ्स आपको याद रखने हैं आज से पूरे लाइफ टाइम तक, ठीक है, आप जेई निकालो या ना निकालो, लेकिन जब ये याद रहेगा ना बेटा कि मैथ्स आपका एक अलग लेवल पे रहेगा, ठीक है जी सर। तो देखो बेटा जब एक्स में आप प्लस माइनस करते हो, फंक्शन में प्लस माइनस नहीं, फंक्शन में प्लस माइनस ऊपर कर रहे थे कि फंक्शन था उसमें कुछ ऐड कर दिया, अभी मैं कुछ नहीं, अभी मैं एक्स में ही कुछ ऐड कर दे रहा हूं। तो ये ग्राफ मान लो कि ये ग्राफ है ऐसा, ये ग्राफ ऐसा था, मान लेते बेटा ऐसा था, तो ये किसका ग्राफ है बेटू, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो जब आप प्लस ए करोगे तो वो a यूनिट लेफ्ट लेके जाएगा, तो मतलब ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा ऐसा। ये किसका ग्राफ बन रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का। ऐसा क्यों, समझोगे थोड़ी देर रुक जाओ। और अगर मैं माइनस करूं बेटा तो वो माइनस वाला ग्राफ को आगे कर देता है, आगे लेके चला जाता है। So green one is the graph of y is equal to f of x minus a. अब ये plus करने पे left क्यों गया, minus करने पे right क्यों गया, आप ये समझिए। देखो बेटा जब भी आपको ऐसा हुआ, आपको मालूम है कि सर अगर ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है तो बाहर पे ग्राफ का वैल्यू जीरो बनता रहेगा, दैट मीन्स y का वैल्यू जीरो बनता रहेगा। तो आप ये सोचिए कि ये वाला पार्टी जीरो कब बनेगा, तो माइनस फोर तो बेटा लेफ्ट में मिलेगा ना आपको। यस सर, सोच कर देखिए,
वाई इक्वल टू मॉड एक्स, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या अप्लाई करूंगा कि मैं सबसे पहले सर मॉड एक्स बनाऊंगा और उसके बाद मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर बना दूंगा। तो ये वाला जीरो कब बनेगा बेटा? जीरो पे, है ना, आप एक्स्ट्रा वैल्यू तो जीरो बन जाएगा, तो जीरो पे ग्राफ बेटू ये बनता है। हाँ जी सर बिल्कुल, वी शेप सर, एक्स प्लस फोर होगा। अच्छा सॉरी, हाँ जी थैंक यू, बिल्कुल सही बोला, ये हो गया सर। अब देखो बेटा कि जब ये जीरो पे जीरो बन रहा था तो इसका जो टकला था वो जीरो को टच करके जा रहा था, लेकिन अब एक्स प्लस फोर है तो अब ये किसको टच करके जाएगा? माइनस फोर, माइनस फोर पे जीरो बनेगा ना। हाँ जी सर माइनस फोर पे जीरो बनेगा, तो बेटा अब की बार ये जो होगा वो माइनस फोर पे आ जाएगा। बिल्कुल सीख गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा ग्राफ। तो सेम ग्राफ क्या हुआ बेटा, ये ग्राफ हो गया वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस फोर का। अब मान लो मैं बोलता कि देखो भैया आप मुझे ये ग्राफ ये वाला बनाकर दिखाओ, माइनस वाला बनाकर दिखाओ, तो कैसे बनाते आप? चार यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, फोर पे जा रहा राइट साइड, ये सोचते हैं कि सर वो जीरो कब बन रहा है, वो जीरो कब बन रहा है। अच्छा ऊपर वाले में देखिए, ये जीरो कब बन रहा था? जीरो पे ही बन रहा था, तो इसलिए ये टच करके जीरो को जा रहा था, लेकिन प्लस फोर कर रहा था तो ग्राफ को ऊपर लेके चला जा रहा था। अब की बार ये बना जीरो फोर पे, ग्रीन वाला ग्राफ कहां बनेगा? जीरो फोर पे, तो सर ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा, अब वो फोर पे चला जाएगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो ये कौन सा पॉइंट है बेटा? माइनस फोर वाला। सर ये वाला ग्राफ दोबारा बता दो, कौन सा बेटू? सर ये जो बता रहे हो, ठीक है। अब देखो सिंपल सा फंडा है ना कि अगर x प्लस फोर है, अगर आप इनपुट में कुछ चीज ऐड कर रहे हो ग्राफ को लेफ्ट में खींचता दो, अगर आप इनपुट में कुछ माइनस कर रहे हो उतना ही यूनिट से ग्राफ को राइट में खींचता दो। सर नहीं समझा, एक एग्जांपल से और बिल्कुल समझ जाओ बेटा। लो जी अगर मैं आपसे बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स, सो लॉग एक्स का ग्राफ कैसे होता बेटा? लोग मैं मान के चलता हूं कि लॉग ऑफ ये ना इसका बेस वन से बड़ा है, सो लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये भी पुष्पा का ही भाई बुढ़ा फंक्शन है, ये ऐसा होता है जिसमें ये जो होता है बेटा 0,1 होता है, सॉरी 1,0 होता है, 1,0 होता है, ठीक है। ये log x का ग्राफ है। मैं आपसे बोला कि देखो भैया मुझे ग्राफ ये नहीं, मुझे ग्राफ दो log of x plus 1 का। अब मुझे बताओ बेटा कि ये ग्राफ कितना यूनिट लेफ्ट और कितना यूनिट राइट जाएगा, लेफ्ट कितना यूनिट जाएगा? क्योंकि सर अब जीरो कहां पे बन रहा है? माइनस वन पे जीरो बन रहा है, तो आप वन यूनिट लेफ्ट में आ जाओ, क्योंकि माइनस वन कहां बनेगा बेटा? नीचे बन जाएगा, इधर बन जाएगा। समझ में आया? सॉरी सर यहाँ पे देखिए, ये लॉग वन पे जीरो बनता है, देख रहे हो ना, वन पे जीरो बन रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब लॉग के पास वन होता है ना, लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, लॉग वन पे जीरो बनता है। तो आप इससे पूछो कि तुम वन कब दोगे, क्योंकि इसको वन चाहिए ना जीरो देने के लिए। तो एक्स बोलेगा हम जीरो पे देंगे वन। नहीं समझे आप? सर समझ गए। लॉग वन जीरो होता है, तो लॉग के पास जब वन क्रिएट हो जाएगा तो जीरो दे देगा। अब यहाँ पे कुछ था नहीं तो सर एग्जैक्टली वन पे जीरो बन गया, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन अब जीरो कब बनेगा बेटा? जब लॉग के पास वाला वन बनेगा, और वन कब बनेगा? जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा। इसलिए मैंने आपको सिखाया कि बेटा ये वन है, आप वन यूनिट लेफ्ट करोगे तो ये कहां पे आके गिर जाएगा? जीरो पे। तो ये कैसा ग्राफ बन जाएगा बेटा? ये वाला, ये किसका ग्राफ है? log x plus 1 का, log of x plus 1। अब मैं आपसे बोलूं बेटा कि मुझे log of x plus 2 बताओ, आप क्या करो? सर माइनस वन पर कट करेगा। y is equal to log of x plus 2 कैसे बनाओगे बेटा लोग? आप लोग दो यूनिट लेफ्ट में आए, दो यूनिट लेफ्ट में आए, सर माइनस वन, माइनस वन पे आएगा। वेरी गुड, तो ये चला जाएगा ऐसा। तो ये ग्राफ हो गया आपका, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है माइनस वन कॉमा जीरो। येलो वाला कहां से पास हो रहा है बेटा? जीरो कॉमा जीरो से। एंड ये ग्रीन वाला ग्राफ किसका है? y is equal to log of x plus 2। तो आपको क्या करना होता है बेटा? ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाना होता है, जितना यूनिट बोल रहा है उतना यूनिट पीछे चल, सीधा बात, और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है।
मान लो अगर मैं आपसे बोलू कि बेटा मुझे ये ग्राफ बनाकर दिखाओ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाओ, अब ये कहां जाएगा बेटा? राइट साइड को, और सबसे पहले जीरो पे। सबसे पहले ग्राफ किसका बनाओगे? लॉग x का। उसके बाद कितना यूनिट राइट में कर दोगे? 3 यूनिट, क्योंकि माइनस 3 है ना, तो 1 कब बनेगा? 4 पे, जीरो। तो बेटा अब मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐसा लेके चला जाऊंगा और फिर मैं इसको बताऊंगा कि ये पॉइंट कौन सा है, बताइए। 4.0। क्या कहानी समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो अब मैं ना कंक्लूजन बता रहा हूँ, अब मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि अभी तक हमने सीखा क्या। एक मिनट स्लाइड निकाल दो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, कंक्लूजन निकले के बाद ना आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हमारा कंक्लूजन, क्या लिखा है बेटा हम लोगों ने कि सर देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ग्राफ को कहां शिफ्ट करता है बेटा? अपवर्ड, ऊपर करता है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है ग्राफ को। सेकेंड पॉइंट हमने क्या सीखा सर कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, बेटा ये ग्राफ को कहां करता है? डाउनवर्ड, नीचे कर देता है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या सीखा बेटा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, ये ग्राफ को क्या करता है बेटा, लोग बताइए कहां शिफ्ट करेगा? लेफ्ट में, लेफ्ट शिफ्ट करता है, ठीक है। हाँ जी सर, लेफ्ट शिफ्ट। अच्छा, शिफ्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट। अब मैं आपसे बोलू बेटा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए कहां पे करता है बेटा लोग, तो राइट पे, राइट शिफ्ट करता है। बिल्कुल जी सर, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर बेटा लोग? यस सर, यस सर, पक्का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सवाल को और आगे करते हैं सर जी, क्या होने वाला है। तो मैंने प्लस और माइनस का ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया, अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। बेटा देख लिया आपने? एक मिनट सर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना भी लिखोगे ना, जब मैं सवाल, जब मैं बोलूंगा ना, ये अगर आप ट्राई करो तो, और ट्राई कर लेना पीडीएफ से वो, आप एक बार समरी वाला दिखाना, ये वाला लो जी। हाँ जी, लिख भी देता हूँ। थैंक यू सर। ये रहा आपका समराइज, समरी अभी तक का यही था। हम जहाँ पे है ना, वहां के लोगों को पता नहीं, हर रोज शादियां करनी होती है कि हर रोज इनकी शादी हो ही जाती है, धड़ 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 क्या छोड़ते हैं समझ में नहीं आता, दिन भर पटाखा छोड़ते हैं। देखो सर, आपकी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, शादी तो इसलिए आपको जलन हो रही है, सीधा सीधा बोलो सर। आपको सिर्फ फ्री में खाने को मिल जाता है, खुश रहो, बी पॉजिटिव सर, जाते नहीं है। इमोशनल डैमेज, यही है इमोशनल डैमेज का परफेक्ट एग्जांपल। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे को इमोशनल डैमेज कर रहे हैं लोग। सर तो अच्छी बात है ना, मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी नहीं किए, हम भी नहीं करेंगे। अच्छा सर, प्रधानमंत्री भी बिना शादी के रहे हैं, प्रधानमंत्री बूढ़े भी बहुत हैं, पर आप जवान हो, कुछ तो। थर्ड टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, वाई इज इक्वल टू, देखो ये ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि पता नहीं, मैं जब भी किसी क्लास का टेस्ट देखता हूं ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पूछ देते हैं, ये वाला जो मैं लिखने जा रहा हूं, कि वो फंक्शन को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता नहीं उनके मन में क्या आएगा, बोल देंगे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या करता है बेटा, इसको सिंपल तरीका क्या होता है, स्टेप नंबर 1, ध्यान से सुनते जाओ। ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब बना दो, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई y एक्सिस पे जितने नंबर्स हैं मल्टीप्लाई y एक्सिस by a। सर ये तो मजाक है। हाँ मजाक ही है बेटू, और कुछ नहीं। अच्छा, एक मिनट सर, जरा क्वेश्चन बताइए। लो जी क्वेश्चन ले लो, आप क्वेश्चन ही चाहिए आपको तो क्वेश्चन ले लीजिए। मान लो बेटू आपसे कोई बोला कि y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बनाओ, तो आप किसका ग्राफ बनाओगे बेटा? स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x, देन उसके बाद क्या करोगे, y एक्सिस को 2 से मल्टीप्लाई, बस कहानी खत्म। एक मिनट सर, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सर ये देखो sin x का ग्राफ, ये रहा हमारा, ये रेड कलर दिख रहा है बेटा सारे लोगों को,
बस इतना बना रहा हूँ, इतना ही दूर में बना रहा हूँ। नेगेटिव में भी तो होता है। हाँ जी बिटू। नहीं कुछ नहीं सर, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, भरोसा रखो, इतना भरोसा कर सकते हो आप मेरे पे। हाँ जी, ये बताइए बेटा जरा, इसका टकला किस लाइन को टच करके जाता है, इसका टकला किस लाइन को टच करके जाता है? वन और माइनस वन को। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मजेदार बात क्या है, कुछ और आपसे पूछ लेता हूँ ना। ये पॉइंट कौन सा होता है बेटा? जीरो। ये वाला बीच वाला पॉइंट पाई बाई टू, ये वाला पाई बाई टू, ये वाला टू पाई। समझ गए? हाँ सर समझ गए। इधर बस उसी का नेगेटिव, ऑड फंक्शन है ना, सॉरी हाँ ऑड फंक्शन है, तो जो उधर रहेगा वो इधर रहेगा, तो अगर ये पाई बाई टू है तो बेटा ये कौन सा माइनस पाई बाई टू, ये रहेगा माइनस पाई, और ये कौन सा रहेगा माइनस थ्री पाई बाई टू, ये कौन सा रहेगा बेटा माइनस टू पाई। ग्राफ आपको एग्जैक्टली यही बनाना है, सेम टू सेम बनाओ, बस एक काम करना, खुद से समझो बेटा कि जिस दिन साइन एक्स पाई बाई टू पे वन देगा, मान लो कि आपका है वैल्यू टू साइन एक्स और मैंने बोला कि एक्स का वैल्यू बेटू पाई बाई टू रख दो, तो आप तो यही करोगे ना, टू इंटू साइन पाई बाई टू इज वन दैट इज टू। समझ में आ रहा है? तो कहानी में चेंज क्या हो रहा है कि सर जो ग्राफ वन दे रहा था जहां पे, अब ये टू देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ना सर फाइनली टू से। नहीं समझे सर, दोबारा सर वापस समझे। मान लो बेटा कि मैंने बोला कि वाई इक्वल टू साइन एक्स है भैया, और आप एक्स का वैल्यू टू पाई रख दीजिए, तो आप साइन वाई इक्वल टू टू इंटू साइन टू पाई रखोगे, साइन टू पाई क्या होता है बेटा जीरो, तो साइन टू इंटू जीरो जीरो, तो y sin 2 pi पे 0 हो रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा sin 3 pi by 2 रख दो x की जगह पे, तो 2 into sin 3 pi by 2, sin 3 pi by 2 कितना होता है minus 1, y equal to minus 2, y equal to minus, जबकि sin 3 pi by 2 बेटा वैल्यू कितना देता है minus 1, लेकिन ये 2 का मल्टीप्लाई होने के चलते वैल्यू क्या दे रहा है बेटा minus 2। नहीं समझे? फील नहीं आ रही अभी आप लोगों को? समझ गए, तो बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ग्राफ सेम बनाओ और दुनिया वाले को बोल दो कि देख भैया अब ये वन का लाइन नहीं है, अब ये y इक्वल टू टू का लाइन है और ये y इक्वल टू माइनस टू का लाइन है। नहीं समझे? समझ गए, समझ गए। अच्छा अब ना इसको थोड़ा सा फील कर, मैं थोड़ा ग्राफ आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा असली में कहानी क्या होता है, आप वो समझो। यहाँ पे बेटा मैंने रखा फंक्शन साइन एक्स, साइन एक्स ग्राफ ये रहा, देख लिया सारे बच्चों ने, देख रहे हो ये वन को देख रहे हो। अब आप साइन टू एक्स का ग्राफ देखिएगा, साइन टू एक्स क्या दिखा? अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्राफ नहीं, टू साइन एक्स ग्राफ चाहिए था, मैं भी क्या करते, टू साइन एक्स क्या दिखा बेटा, कि जो पहले वन को टच कर रहा था वो टू, अब ये ज्यादा दिख रहे हैं सारे बच्चों को, बस कुछ नहीं, मतलब ऐसा समझो ना कि साइन था, मैंने उसका टकला पकड़ के खींच दिया, पतला हो गया बेचारा वो, अब मैं फोर से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। देखो अभी इसको लगेगा ना कि, मतलब समझो ना कि ये एक फुटबॉल रखा गया और मैं इसको जोर से दबा दिया ऐसे, अब वो क्या करेगा, जो गोल था वो थोड़ा खींच जाएगा, इसको बोलते हैं इलांगेट हो गया वो। अब मैं ना फोर से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जरा इन भाई का शक्ल देखना आप लोग, ये लो दिखा कुछ जादू? हाँ जी सर दिख तो रहा है कि लग रहा है कि सर कोई साइन एक्स के ग्राफ को ऐसा पिचका दे रहा है सर दोनों तरफ से, अब वो चार को टच कर दिया, इसलिए मैंने बोला कि आप ओरिजिनल ग्राफ बनाइए और बोलिए कि मेरा यही चार है। ना समझे? समझ गए सर, समझ गए, समझ। हाँ जी बिटू, चमक गया सर, चमक रहा तो चाहिए, रात को चमक गया हमारे दिमाग।
थोड़ा सा पूछ लेता हूँ बेटा आप लोगों से कि जरा ब्लू वाला ग्राफ किसका है बताना। बोला ब्लू ग्राफ किसका y = 2 sin x का y = sin x sin x का सॉरी y = 2 sin x 2 sin x का मेरे को लग रहा है। हां जी हां जी ग्रीन पूछ रहे हैं एंड ग्रीन किसका ग्राफ है बेटा लोग रेड वाला किसका ग्राफ है y = 4 sin y = 4 sin x 4 sin x ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि देखो बेटा आप सिर्फ ग्रीन वाला ग्राफ बनाओ और बोल दो कि ये 1 नहीं अभी ये 4 है आप गलत करके दिखाओ समझ गए ना क्या करना है आपको इतना मेहनत करूं क्यों सर मैं क्यों आपको लगेगा क्यों आपको बार बार बोलूं कि सर ये देखो इसका टकला था खींच के यहाँ कर दिया इसका टकला यहाँ खींच कर दिया क्यों करना है भाई। अच्छा आप ये भी देखोगे कि ये एक्स एक्सिस पे सारे जगह एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही जगह कोई चेंज नहीं हुआ बात समझ में आया ये yes, तो कुछ नहीं होता बस मैं बोला ना कि वाई एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बोले कि सर रुक जाओ ये रहा tan x बेटा tan x का ग्राफ देख लिया आप लोगों ने कुछ नहीं होगा कुछ फर्क नहीं होगा इसमें तो बस y एक्सिस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने बोला सर 9x का ग्राफ 9 tan x का ग्राफ बनाइए लो जी बेटा ये रहा 9 और यहाँ पे रहा tan और ये रहा x स्ट्रेट नहीं है बेटू स्ट्रेट नहीं है ये कर्व ही है आपको लग रहा है स्ट्रेट है देख रहे हो स्ट्रेट नहीं है कर्व ही है अब देखो आपको कर्व दिखेगा हाँ, अब कर्व दिख रहा वो 2D दिख रहा हूँ ना आपको इसलिए स्ट्रेट दिख रहा है समझ गए अब लग रहा है सर कैसा लग रहा है तुम लोगों को स्ट्रेट देखो कैसा स्ट्रेट ये तो बिल्कुल लग रहा है स्ट्रेट आप रिसर्च थोड़ा बड़ा 39 है बट बिल्कुल सीधी है सीधी है बट सीधी है हां जी बस करो सर स्ट्रेट अब देखो ब्लू वाला स्ट्रेट है फुटबॉल का एग्जांपल दिया वो बेचारा सर्कल था ठीक है और आप उसको दबाएंगे तो उसका शेप अगर चेंज होगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बोला बेटा पेन पकड़ के दबाओ जरा अपना दबा दो और बोलो सर शेप चेंज होगा टूट जाएगा चेंज okay. नहीं हुआ ना लेकिन क्या सच में चेंज नहीं हुआ अरे हुआ चेंज आप समझो कि एक कर्वेचर वाला रबर ले लेना रबर को खींचना ऐसा एलोंगेट करना तो बेटा स्ट्रेट ही बनती जाएगा ना वो yes, फील नहीं आ रही है ना एक सुनो बेटा सुनो पूरा कहानी मतलब ये है कि जिसका शेप जितना ज्यादा बेकार रहेगा उसको मेरे को उतना ही खींचना पड़ेगा सीधा करने के लिए समझ रहे हो अगर वो बेचारा थोड़ा सा ही अगर पतला है उसको खींच दूंगा तो सीधा हो जाएगा। मैं साइनेस का ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं आप समझिएगा आप साइनेस का ग्राफ देखिए फिर से ये रहा बेटू साइनेस ग्राफ रुक जाओ थोड़ा ना अब बात कर रहे हो तो फील बढ़िया से लो भाई ये रहा बेटू साइनेस ग्राफ ठीक है दिख गया सारे बच्चों को yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको लग रहा है ना सर साइनेस स्ट्रेट नहीं होगा मैं करके दिखा रहा हूँ स्ट्रेट अभी मैं स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सीधा 1000 से साइन और एक्स बोलो अब बोलो कि सर ये कर्व नहीं है ये तो अभी भी कर्व ही है सर 1000 पे जाके होगा मुड़ेगा कहाँ कर्व है ग्रीन वाला देखो सीधा बन गया हाँ जी सर यस लेकिन ये क्या सच में कर्व है ना देखो देखो ध्यान से देखते जाओ अच्छा एक काम करते हैं ना एक चीज दिखा रहा हूँ आपको सर आपने फुटबॉल का एग्जांपल दिया रुक जाओ बेटा
रुक जाओ, कहाँ जाएगा भाग के? रुक ये किसी खेत की फोटो लग रही है मुझे रुक जाओ रुक, ये 1000 दिखा बेटा इसका टकला देखो, ग्राउंड लग रहा है दिखा ये गैप दिखा, दिख गया टकला पे, लाइन दिख रही है हमको। हाँ जी दिख गया स्ट्रेट लाइन सर, आगे से मतलब थोड़ी सी तीखी हो रही है सर, ये दिख रहा है, दिख रहे हो? अब ये जाके 1000 पे दिख रहा है सर, ये मतलब इसका जो टकला था ना वो 1000 पे गया, फिर ऐसा मुड़ के आया, नहीं समझे सर? लग गया बता, पर आप इसको समझ गए सर? सर ये 5/2 पे मुड़ा ना, अब देखो अगर इसी को 1000 बनाना पड़ता ना बेटा, तो मैं इसको एकदम ऐसा 1000 पे लेके जाता फिर ऐसा, तो ये लगता कि सर एकदम सीधा हो रहा है, ये तो मुख्य सीधा नहीं है, ये एक्चुअली जाकर 1000 पे अगर बेंड होता। चमक गया सर अब अच्छे से, तो ये मत बोलना सर टैनिक्स को स्ट्रेट हो गया, वैसे तो साइनिक्स का भी स्ट्रेट करके दिखा दिया हमने, बेस्ट आइडिया क्या है आपको उतना दिमाग नहीं लगा रहा है, जो मैंने आपको फंडा बता दिया ये वाला, बस वही काम करो और खुश रहो जिंदगी में, समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अवंती का सुनो, अरे सुनाइए सुनाइए जल्दी सुनाइए जल्दी 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 सर, कैसे हुआ था यहाँ क्या हो गया सर, ये दोबारा बता दो, नींद लग गई थी देवा देवा देवा, उसको नींद आ गई थी सर, नींद आ रही है आप लोगों को, छोड़ दिया जाए अवंती को भी लाइन। हेलो नहीं सर छोड़ो मत, पढ़ा दो अब सर, बिल्कुल भी नहीं सर, जितना आप पढ़ा सके उतना पढ़ाओ। लो जी रुको रुको अभी हो गया, अब ना थोड़ा जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन अगर फिल लेना रहेगा तो लेते रहना, आप लोग डेस्कमॉस जो करना डाउनलोड और जो मर्जी करते रहना बेटा, ग्राफ के साथ खेलो, इसलिए हेडिंग डाला हूं प्ले विद ग्राफ, खेलो ग्राफ के साथ। ये रहा T3, लेट्स टॉक अबाउट T4, शांति लो, T4 क्या है बेटा, y इज इक्वल टू f ऑफ, अब की बार a के साथ x के साथ a का मल्टीप्लाई हो रहा है, पिछले बार क्या हुआ था सर, पूरे फंक्शन में a का मल्टीप्लाई किए थे, अब की बार x में सिर्फ मल्टीप्लाई किए हो, अब इसमें चेंज क्या हुआ बेटा कि आप x को रखे हुए 2, आप x को रखे हुए 2 लेकिन फंक्शन समझेगा कि मेरे को मिला है 2a, है ना, जैसे कि आप 2 into f of कर, f of x करो, आप x को 1 रखोगे तो भी f को लगेगा कि भाई मेरे को तो 1 ही मिला है, आप x की जगह पे 2 रखोगे तो भी f को लगेगा मेरे को तो आप 2 ही दिए हो, आप x की जगह पे 3 रखोगे तो f को लगेगा आप मेरे को 3 ही दिए हो, लेकिन यहां पे पंगा हो रहा है, अब मैं बोला बेटा कि f of 2x का ग्राफ बनाओ, आप x को रखोगे 1 तो f को लगेगा मेरे को मिला है 2, आप x को रखोगे 2 तो f को लगेगा मेरे को मिला भाई 4, तो f तो समझ ही नहीं पा रहे उसके साथ गेम क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि x का इनपुट ही चेंज हो रहा है बेचारे का, पिला रही है बेटा, अगर x को 3 रख दोगे तो f को लगेगा भाई मेरे को तो 6 दिया आपने, तो जो 6 पे वैल्यू देता था अब वो वैल्यू देगा, वो फील नहीं पकड़ में आई? अब तरीका क्या है सर, तरीका बताओ, मेन मुद्दे पे आते हैं, तरीका क्या है, draw y is equal to f of x, then divide x axis, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई y एक्सिस था, यहाँ पे डिवाइड x एक्सिस by a, अगर यहाँ पे बेटा रहता y equal to x by 2 का ग्राफ बनाओ तो आप क्या करते, सारे x एक्सिस को 1 by 2 से डिवाइड कर देते, सारे x एक्सिस को 1 by 2 से डिवाइड कर दो, बात समझ में आई? हाँ जी सर, तो क्यों ना हम y equal to sin x का ग्राफ बनाएं, अब की बार y equal to sin x नहीं, y equal to cos x का ग्राफ बनाते हैं, so now let's draw the graph of, पहला y is equal to cos x बनाते हैं, चलिए एक बार cos 2x बनाता हूं, दूसरे बार cos half x बनाता हूं, cos x by 2 बनाता हूं, ठीक है, एक बार x में मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार x में डिवाइड कर दिया, मैं छोटा सा ही ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं बेटा, लोग cos x का ग्राफ बनता कैसे है सर, cos x का ग्राफ ऐसा बनता है, ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां, वैसे याद रहेगा ना बेटा आप लोगों को ये सब? यस सर। cos x का ग्राफ बनता है ऐसा? यस सर। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मुझे पॉइंट्स बता दीजिए, पॉइंट्स बता दो बेटा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं?
सर जीरो पॉइंट बताइए जीरो और ये वाला फाइव बाई टू वाला थ्री पाई बाई टू फाइव बाई फाइव यहाँ पे फाइव बाई टू इधर एंड ये कौन सा पॉइंट है माइनस थ्री फाइव बाई टू। अब मैं आपको बोला कि देखो भैया मुझे कॉस 2x का ग्राफ ना हो, ये कौन सा पॉइंट है बेटा वन ही है समझे, ये कौन सा पॉइंट है इधर माइनस वन। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए कि जब मैं फंक्शन में किसी का मल्टीप्लाई किया तो मैं एक्स एक्सिस के कोई एंगल को चेंज नहीं किया, मैं सिर्फ वाई में चेंज किया। सिमिलरली जब बेटा आप कॉस 2x का बनाओगे ग्राफ तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज करोगे, वाई में चेंज आप नहीं करोगे। तो फंडा क्या है कि डिवाइड एक्स बाय टू। तो अगर मुझे कॉस एक्स का ग्राफ बनाना होता तो इन सारे एंगल को मैं टू से डिवाइड कर देता, सारे ही एंगल को टू से डिवाइड कर देता। बात समझ में आई बेटा लोग? सर क्या क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा आप जानते हो कि कॉस एक्स जो होता है वो पाई बाई टू पे जीरो देता है, देता है कि नहीं देता है? हाँ जी सर। अब आपने कॉस के साथ 2x लगा दिया तो जैसे ही आप बेटा पाई बाई फोर लिखोगे ये जीरो दे देगा, क्योंकि कॉस को क्या लगेगा, कॉस को लगेगा भाई मेरे को तो पाई बाई टू मिला है, क्योंकि टू उसको कैंसिल करके पाई बाई टू बना देगा। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? यस सर। फंक्शन कौन है कॉस, और एक्स को आपने रखा पाई बाई टू पाई बाई फोर, और कॉस को लगा भाई ये तो मेरे को पाई बाई टू दे रहा है, क्योंकि कॉस को क्या समझ में आ रहा है कि टू क्या कर रहा है एक्स के साथ। ये तो बेचारा इधर ही सीधा साधा आदमी आराम से बैठा है कि देखो भैया हम कॉस हैं, हमको जो निकल के आएगा हम ले लेंगे। आपने एक्स को रखा पाई बाई फोर, टू ने उसको कैंसिल करके पाई बाई टू बना दिया, तो कॉस को मालूम पड़ा कि हमारे साथ तो पाई बाई टू मिला है, तो जो पहले पाई बाई टू पे जीरो देता था अब वो पाई बाई फोर पे जीरो दे देगा। नहीं समझे अभी भी? समझ गए सर। बेटा पक्का समझ में आई सारे बच्चों को? यस सर। अगर सारे बच्चे सो रहे तो कैंसिल द क्लास, क्योंकि मैं बहुत नहीं सो रही। तो अब मैं क्या करूंगा ना कि दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस 2x, बट दिस टाइम आई विल से कि सर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, सारे ही एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, आप सारे एंगल को आप कॉस एक्स का ग्राफ बनाओगे एक्स एक्सिस को डिवाइड कर दो, सिंपल। सर 2 से डिवाइड करना क्यों है? वही तो बेटा सिखा रहा था आपको, अभी 2 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा, 2 से डिवाइड करो ये क्या बन जाएगा पाई बाई 4 बन जाएगा ना, ये पाई बाई 2 बन जाएगा, ये 3 पाई बाई 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस पाई बाई 4, ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 2, और ये क्या बन जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4। तो जो वैल्यू वो पाई बाई 2 पे देता था अब वो पाई बाई 4 पे दे देगा, क्यों? क्योंकि उसके साथ 2 लगा है, 2 उसको कैंसिल करके पाई बाई 2 बना देगा। बात समझ के आई नहीं आई? अब बनाते हैं बेटा cos x by 2 का ग्राफ। अगेन मैं किसका ग्राफ बनाऊं? सर अगर cos minus 2x होता तो बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप minus 2 से डिवाइड कर दीजिए, वैसे cos के अंदर आप माइनस डाल के cos minus 3 का cos सही होता है। हाँ cos के अंदर माइनस डाल के भी आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि cos उसको पॉजिटिव बना देगा। सर हम 2 के अलावा cos के साथ मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड नहीं कर सकते? बेटा डिवाइड नहीं करोगे ना, मल्टीप्लाई हो रहा है सर, यहां पे 2 है। अच्छा अगर किस कॉस के साथ कर दे हम 2 के अलावा, सॉरी सर 2 के अलावा भी कर सकते हैं किसी के साथ? हाँ अगर मान लो अगर आपको cos 3x का ग्राफ बनाने मिल गया तो आप किससे डिवाइड करोगे 3 से, अगर आपको cos 4x का मिल गया तो आप ग्राफ बनाओगे cos x का, लेकिन 4 से बाद में उसके एंगल को डिवाइड करोगे, किसका मिलेगा कर देगा। वैसे sin 2x फेमस है, बता रहा हूं sin 2x फेमस है, तो sin 2x का ग्राफ जरूर प्रैक्टिस करना आप। यस सर। क्योंकि वो हर बार कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है, फेमस है तो है। अच्छा अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, ये कौन सा पॉइंट था जीरो, ये कौन सा पॉइंट था पाई बाई टू था ना, लेकिन अब की बार ये किससे हो रहा है, अब की बार ये किससे डिवाइड हो रहा है हाफ से, एक्स का कुछ हाफ से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा 2 पाई बाई 2, दैट इज पाई ओनली, पाई ओनली। नहीं समझे बेटू, पाई बाई 2 है उसको डिवाइड करोगे हाफ से तो हाफ ऊपर चला जाएगा ना, पाई बीच देवा 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, अरे ये ऊपर गया। यस सर।
रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैं समझ जाऊँ कि नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है, समझ ही गए। आगे सर, समझ आ गया। बता रहा हूँ, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखो लॉजिक तो समझा दिया। जब एक्स के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं, जब एक्स के साथ कुछ नंबर से डिवाइड होता है तो हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों रिजल्ट क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर एक्स बाय टू है, डिवाइड करोगे वन बाई टू से तो बेटा ये टू ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसलिए याद करने के लिए सीख लेते हैं कि सर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डिवाइड कर दो, जब एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा ये कौन सा पाई बाई टू था, पाई बाई टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई, पाई। ये कौन सा था बेटा लोग, ये कौन सा था, पाई, 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 पाई को डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, पाई को पाई मल्टीप्लाई करना है टू से। ये कौन सा पॉइंट था, थ्री पाई बाई टू, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री पाई। अब जस्ट इसका इमेज इधर बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस पाई, क्योंकि वन कौन सा समझ गए, इम्पोर्टेंट ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे, कुछ नहीं साइनस ग्राफ बना, टू से मल्टीप्लाई कर रहा, क्योंकि जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो आप टू से डिवाइड करोगे और जब एक्स के साथ डिवाइड हो रहे तो टू से मल्टीप्लाई करोगे, सेम लाइक ये वाला। नाउ लेट्स कम, हाँ जी दिव्या की भी सुन लो, इतनी देर से बोल बेटा, मेरा हो गया सर जो पूछना था हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉड, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं संडे के मॉर्निंग में आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा दूंगा, एक घंटे का क्लास लूंगा, सुबह सुबह खत्म कर दूंगा, लेकिन जरूरी है इसलिए आप सीख लीजिए, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉड, T5 हुआ ना, हाँ जी T5 हुआ, क्या हुआ आपने, ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 हुआ। अच्छा T5 बोल रहे हो, अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ T5। यस सर, इसको मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉड। अब देखिए बेटा इस मॉड में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं, आपको एक फंक्शन मिलेगा, अब इस फंक्शन में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन लग जाते हैं, जैसे कि एक ही साथ सिखा रहा हूं शॉर्ट में, सीखिए। आपको मिला बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सारे बच्चे ग्राफ जानते हैं सर, स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। मैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन लिया कि मैं एफ ऑफ एक्स में मॉड लगा दिया कि मुझे मॉड लगाइए, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन में दे रहा हूं बेटा, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इज, बहुत ध्यान से समझिएगा, नींद आ रही है आंख खोल लो भाई, सेकंड वाई इज इक्वल टू, अब मैं सिर्फ एक्स को मॉड डाल रहा हूं, एक्स को मॉड डाल रहा हूं, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं दोनों को ही मॉड डाल रहा हूं, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सर, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, एंड द फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन इज, इसमें क्या हो जाएगा फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बोलेगा भैया हम y पे ही मॉड लगा दिया, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ y पे मॉड क्या लगेगा, फंक्शन था यहां पे, अब जो भी है। अच्छा एक बात ध्यान देना, जरूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ वाई पे मॉड लगेगा, सामने वाला बोलेगा कि आप मुझे इसका ग्राफ बनाकर दिखाओ, मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बना से आपको बोलेगा बनाकर दिखाओ, स्टेप क्या है सर वो समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो सिखा दे रहा हूं बस उतना ही सीखो। पहला ट्रांसफॉर्मेशन में आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ड्रॉ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब कहानी को ध्यान से समझो बेटा, क्या आपको मालूम है कि सर आप फंक्शन का वैल्यू जो दो, समझो ध्यान से, आप फंक्शन का वैल्यू जो भी दो सर, जो भी दो, मॉड क्या उसको नेगेटिव होने देगा? नो सर। नो सर। क्या बेटा वाई का वैल्यू अभी भी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। आप कहानी को ध्यान से समझिए सर, अगर वाई का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रहा है तो वाई नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में,
इसका मतलब कि सर जो थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ है वो नेगेटिव में आएगा, उसको कहां पे कर देगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव। अब मान लो बेटा जो माइनस थ्री दे रहा था उसको थ्री बना देगा, जो माइनस फोर दे रहा था उसको फोर बना देगा। बात समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं, वी टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ, एकदम आसान लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। वी टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ लाइंग बिलो एक्स एक्सिस। बिलो एक्सिस मतलब बेटा कौन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में ही वाई नेगेटिव होता है, क्योंकि बेटा वाई नेगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि सर वाई तो मॉड के बराबर है, तो वाई पॉजिटिव होना पड़ेगा। बिलो एक्स एक्सिस वी टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ लाइन बिलो एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। कहानी को हिंदी में क्या समझेंगे सर, कि एक्स एक्सिस के नीचे लाई करने वाले ग्राफ को हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एक मिनट जरा बनाओ। वाई इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ, सर ये तो बहुत आसान है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे सर यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां एंड फिर यहां से यहां। साइन एक्स का ग्राफ बेटा ये हो गया, मान लेते हैं कि सर ये रहा। अब देखो बेटा ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। क्या मॉड को इससे कोई दिक्कत है? ना, मॉड पर फर्स्ट और सेकंड साथ ही नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है और मॉड का काम है कि पॉजिटिव को हाथ ना लगाना। जो नेगेटिव होते हैं मॉड उन्हीं के साथ पंगा करता है, माइनस लगा के भेज देता है कि लो तुम पॉजिटिव बन जाओ। तो मैं क्या करूंगा बेटा कि इनसे दिक्कत हो रहा है और इससे दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा दूंगा। अब जो माइनस वन यहां पे दे रहा था, अब मॉड लगने के चलते बेटा क्या दे देगा, वन दे देगा। तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आई? हाँ जी सर, ये तो बहुत आसान ट्रांसफॉर्मेशन है सर, कि सर ये जो नीचे वाला है उसको ऊपर बुला दो, ये जो नीचे वाला है अब वो ऊपर बुला दो। बात समझ में आई बेटा लोग? अब यहां से पीरियोडिसिटी डिफाइंड होता है। कैसे डिफाइंड होता है समझो, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है बेटा, हर 2 पाई के इंटरवल के बाद ग्राफ फिर से रिपीट होने लग जाएगा, फिर से रिपीट होने जाएगा। तो साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, कि हर 2 पाई के इंटरवल के बाद सर साइन का ग्राफ रिपीट होता है। लेकिन जैसे ही मॉड लगता है ना, आप देखो कहानी क्या हो रहा है, अब ये पाई के बाद रिपीट हो रहा है, यहां से यहां गया फिर जस्ट सेम शक्ल, यहां से यहां गया फिर सेम शक्ल, फिर सेम शक्ल, फिर सेम शक्ल। इसलिए बोलते हैं कि मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ सेकेंट एक्स, मॉड ऑफ कोसेकेंट एक्स, सारा का जो पीरियड होता है वो पाई हो जाता है। आएंगे कहानी में आएंगे, लेकिन मैं आपको बोला ना कि मैं कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके पढ़ाता हूं, इसलिए मैं ग्राफ को अभी सिखा रहा हूं और साथ में पीरियोडिसिटी बता रहा हूं आपको। क्योंकि जब तक पीरियोडिसिटी आप ग्राफ की फीलिंग नहीं लोगे, पीरियोडिसिटी आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ जी सर आ गई, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अब ना मैं एक ग्राफ बनाया था, सारे बच्चों को याद रहेगा, पिछले क्लास में भी कराया था, कि मुझे मालूम है सर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बहुत ही फेमस फंक्शन है, जेईई में सवाल भी कर देता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटू, इसका ग्राफ कैसे बनता था? कुछ ऐसा बनता था, ध्यान से समझिएगा, ये हाफ की लाइन होती है और ये नीचे माइनस हाफ की लाइन होती है, ये ऐसा जाता है, हाफ को टच करता है, फिर ये ऐसा चला जाता है, याद आया वाला ग्राफ? फिर नीचे जाता है, माइनस हाफ को टच करता है और फिर ऐसा आ जाता है। यस सर। अब मुझे कोई बोला इसका मॉड लगा करके ग्राफ बनाओ, तो मैं क्या करूंगा कि जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है उसको ऊपर कर दूंगा सर। ऊपर नहीं, समझे? समझ गए सर। अब ये ग्राफ कैसे बन जाएगा बेटा, जस्ट ऐसा जाएगा और ये फिर ऐसा आ जाएगा। मॉड लगने से फर्क ज्यादा थोड़ी हुआ, जो नीचे वाला ग्राफ था वो ऊपर हो गया, ऐसा बन जाएगा। नहीं समझे सर। और बाकी ग्राफ को छोड़ देगा। अब अगर सामने वाला सवाल चाह रहा है तो बेटा आपसे पूछ सकता है,
क्या पूछेगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी व्हेन फंक्शन इज दिस, बोलेगा कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, और वो पॉइंट होता है जहां पे ये शार्प कॉर्नर मिल जाते हैं ना ऐसा, ये तो रो देते हैं बच्चे जिनको ग्राफ नहीं आता है, वो ढूंढते रह जाएंगे सर इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट कहां से ढूंढे हम, लेकिन जिनको ग्राफ आता है वो तुरंत कर देते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा यहाँ पे कहां कहां पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, यहां पे नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि सर यहां पे देखो वी शेप बन रहा है, वी शेप बन रहा है, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, सीखोगे कहानी आने पे, लेकिन फिलहाल बस इतना समझो कि सर ये क्या क्या चल रहा है ग्राफ। तो क्या सारे बच्चे समझ गए कि फंक्शन के ऊपर मॉड लेना है तो क्या करना है, नीचे वाला ग्राफ डिलीट, नीचे वाला ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। हां जी क्या बोले बेटा केशव, आपने कुछ बोला सर, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं समझे, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी उसको बोलते हैं जहां पे डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो, जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाते, आएंगे अभी रुक जाओ दूर की बात है। अभी इसमें क्या होगा बेटा, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एफ ऑफ एक्स का, फिर हम लोग डिलीट डिलीट लेफ्ट साइड एंड कॉपी पेस्ट राइट साइड। बहुत छोटे छोटे शब्दों में सिखा रहा हूं, बहुत बड़ा बड़ा आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, दो दो लाइन में सिखा रहा हूं कि ग्राफ ऐसा बनता है, बस डिलीट लेफ्ट साइड एंड कॉपी पेस्ट राइट साइड, कॉपी पेस्ट राइट साइड। ये ग्राफ आपको बनाना है, आप फंक्शन का ग्राफ बनाइए और समझो, समझो आप ध्यान से। मान लो बेटू आपसे कोई बोला कि मुझे आप log of x का मॉड में लगा के ग्राफ बताइए, तो आप सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे, log x का सर, तो ये हो गया बेटा log x, ये ग्राफ हो गया log x, ये पॉइंट कहां पे जा रहा है, माइनस इनफिनिटी पे। लेकिन आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि मुझे मॉड लगा कर दो, मतलब लॉग फंक्शन है उसमें मॉड लगा दो, तो मैंने आपको क्या सिखाया बेटा कि जो ग्राफ नीचे है उसको क्या करोगे ऊपर कर दोगे, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, अब वो ग्राफ बेटा जो माइनस इनफिनिटी को टच कर रहा था अब वो प्लस इनफिनिटी को टच करके चला जाएगा। कहानी समझे कि नहीं समझे, कि ये नीचे वाला पार्ट है बेटा अब जस्ट ऊपर घूम जाएगा, बस कहानी खत्म। लेकिन नीचे वाला क्लिक हो जाएगा, क्या बोले बेटा आप, नीचे वाला ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो, सिंपल। अच्छा अगर सवाल ये होता कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x, अब कहानी को ध्यान से समझो बेटा कि आप x को जो मर्जी डाल दो, यही सिखाया, आप x को जो मर्जी डालो, माइनस डालो, प्लस डालो, जो मर्जी डाल दो, क्या बेटा f को पता लगेगा कि आपने कौन सा नंबर डाला था, f को तो हमेशा समझ में आएगा कि सर आप तो प्लस दे रहे हो, आप x को माइनस टू डाल, मॉड उसको टू बनाएगा और f को लगेगा कि आप तो टू दिए हो, बात समझे, मॉड क्या कर रहा है इसके साथ कि f को पता ही नहीं लगने दे रहा है कि आप नेगेटिव वैल्यू दिए थे कि नहीं दिए थे, पॉजिटिव दोगे तो भी वो पॉजिटिव आंसर उसको लगेगा, आप टू रखिए x के जगह पे तो मॉड टू क्या हो जाएगा बेटा, टू हो जाएगा, तो f को लगेगा भाई मेरे साथ तो टू बैठा है, आप माइनस टू डाल के देख लो, आप माइनस टू डालोगे मॉड उसको टू बना देगा, एफ को लगेगा भाई आपने टू दिया है, आपने दिया माइनस टू लेकिन उसको लग रहा है आपने टू दिया है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक्स नेगेटिव तो एफ को समझ ही नहीं आएगा, तो एक्स नेगेटिव कहां होता है बेटा, लेफ्ट साइड में एक्सिस के, बोलते हैं डिलीट कर दो क्योंकि एफ को तो पता नहीं लगने वाला भाई कि वो कभी नेगेटिव मिला भी था उसको, फील पकड़ में आ रही है बेटू लोग की नहीं, समझो एफ को पता ही नहीं लगेगा कि कौन आया कौन गया, उसको लगेगा जो मेरे में आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, आप जो टू पे मान लो फोर दे रहा था वो माइनस टू पे भी फोर ही देगा क्योंकि उसको माइनस टू दोगे तो उसको लगेगा मेरे को टू दिया बस वो फोर देके चला जाएगा, इसलिए बोलते हैं कॉपी और पेस्ट करना है राइट साइड वाले। अब देखिए लॉग एक्स का हम ग्राफ बनाकर दिखाते हैं आपको, तो बेटा ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब क्योंकि बेटा हमने क्या सिखाया कि डिलीट लेफ्ट साइड कॉपी राइट साइड, तो इसके लेफ्ट साइड में कुछ था ही नहीं, इसके लेफ्ट साइड में कुछ था ही नहीं तो इसको तो भाई मतलब ही नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो आपने क्या किया बेटा ये जो ग्राफ है इसको सेम वाई एक्सिस में कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ में आया नहीं समझ में,
नहीं समझ में आप लोगों को? आ गया सर समझ मतलब राइट वाले को लेफ्ट में कॉपी करने, लेफ्ट और राइट दोनों को, दोनों को। ओवरऑल ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ लॉग मॉड एक्स, तो मतलब राइट मतलब इधर वाले को उधर मतलब लेके जाना है, बस 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 वही करना बेटा। सर मतलब कि अगर मोड ऑफ लॉग ऑफ एक्स का होगा तो उसमें से मतलब नीचे वाले का रिफ्लेक्शन देना है, और अगर लॉग ऑफ मतलब मोड ऑफ एक्स का होगा तो पूरे का रिफ्लेक्शन उल्टा मिरर की तरह उल्टा कर देना नीचे वाले जो नीचे लाई करते हैं उसको, ये ग्राफ एंड ये ग्राफ, ये दोनों मिला करके लॉग मॉड एक्स ग्राफ हो गया। समझ गए? यस सर। नहीं समझे? अब मान लो बेटू कि मैं आपसे बोलूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे y इज इक्वल टू e पावर x का मॉड का ग्राफ बनाओ, एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू e पावर मॉड x का ग्राफ बनाओ, ये सवाल है। इसके लिए क्या करेंगे बेटा? y इक्वल टू e पावर x का ग्राफ बनाएंगे सर। पुष्पा का लो जी, ये रहा e पावर x। अगर फंक्शन के ऊपर मॉड लगता है तो क्या बोलता है कि जो नीचे वाला है उसको आप ऊपर कीजिए। क्या इस ग्राफ में बेटा कोई नीचे वाला है? नो सर। नहीं। नो सर। होगा क्या? नहीं। वैसे बोला भी जाता है कि एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो मॉड नेगेटिव को ना असर करता है, पॉजिटिव को क्या असर करेगा? तो मॉड ऑफ ई पावर एक्स इज सेम लाइक ई पावर एक्स, तो ग्राफ पे कोई चेंज होगा ही नहीं, लेकिन वहां पे चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा सर? कि आप एक्स को मॉड दिए हो, आप फंक्शन को मॉड नहीं दिए हो, सिर्फ एक्स को मॉड दिए हो, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा? लोग ये ग्राफ देखना ध्यान से, ये रहा मेरा e पावर x का ग्राफ, ये रहा मेरा e पावर x का ग्राफ। अब क्योंकि बेटा मॉड है तो x तो कभी नेगेटिव वैल्यू वाला लेगा ही नहीं, बोलेगा भैया आप डिलीट कीजिए, हमको तो समझ में ही नहीं है कि आप कब आए थे। आप x को माइनस टू दोगे, मॉड उसको टू समझ जाएगा, आप x को माइनस टू दोगे मॉड उसको टू बनाएगा, तो y को लेगा ये तो मेरे को e पावर टू मिला है। बात समझ में आया? तो ये हम लोग लेफ्ट साइड वाला डिलीट कर देते हैं और राइट साइड वाला कॉपी कर देते हैं, तो राइट साइड वाला कौन सा बेटा? ये वाला। तो ये ग्राफ इसको भी कॉपी करोगे तो बन जाएगा ओवरऑल कुछ ऐसा, ये बन जाएगा। बात समझ में आई? ये सर। और ये ऐसा। अब ये मत बोलना सर पैराबोला है ना, हर कटोरी पैराबोला नहीं होती है। आपने कट कर दिया मतलब? हाँ, ये ग्रीन वाला डिलीट है, ग्रीन वाला डिलीट है ही नहीं। सर वाला किधर है? क्या बोल रहे बेटा आप? सर गायब कर दिया, डिलीट है। सर ये ऊपर वाला कहाँ से आया? ये वाला बोल रहे हो आप? हाँ जी बेटा, जो राइट साइड में ग्राफ होता है ना उसको टेस्ट कर देते हैं, इधर वाला ग्राफ इधर भी और इधर भी, मतलब दोनों साइड छाप दो। समझ में आया? अब क्या प्रैक्टिस करोगे? आप प्रैक्टिस कर लेना, आप ये प्रैक्टिस कर लेना कि y इज इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ क्या होता है। लेफ्ट साइड वाला पूरा ग्राफ डिलीट, राइट वाला कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये बना के दिखा दूं। लो जी सर हम कर लेंगे, बना कर दिखा। नहीं नहीं, लो लो बना के दिखा देता हूँ ऐसा। इसमें कौन सा ग्राफ डिलीट होगा बेटा? लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट वाला। राइट साइड वाला को छोड़ दो, राइट साइड वाले से कुछ मतलब ही नहीं है आपको। तो ये बेटा हो गया डिलीट, ये सारे के सारे ग्राफ डिलीटेड है, ये है ही नहीं हमारे गेम में, इनको भगा दो आप। सो दिस इज डिलीटेड ग्राफ। एंड आप क्या करोगे बेटा? जो राइट साइड में उसको कॉपी पेस्ट। तो मेरा जो ग्राफ बचा है अभी डिलीट करने के बाद, वो ग्राफ बचा कुछ ये, इधर से ये बचा और इधर से ये बचा। अब इसी ग्राफ को आपको इस साइड पे रिफ्लेक्ट करना है, तो ये इधर से इधर और इधर से इधर। समझ में आया? यस सर। फर्क देखो, ये है साइन मॉड एक्स का ग्राफ एंड ये है मॉड एक्स का ग्राफ। ये देखो, ये कई जगह शार्प पॉइंट देता है, ऐसा कई जगह शार्प पॉइंट देगा, लेकिन साइन मॉड एक्स सिर्फ एक जगह शार्प पॉइंट देगा, और वो कहां पे? सिर्फ यहां पे।
सो मॉड एस साइन एक्स इज डिफरेंशियबल एट सो मेनी पॉइंट्स, कई जगह हम उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन साइन मॉड एक्स का सिर्फ एक जगह डेरिवेटिव नहीं निकलता है, क्योंकि यहां पे ही शार्प पॉइंट आता है, इधर से एक और इधर से एक। सर लग रहा है सर ये धनुष जैसा ग्राफ? सर ये लग रहा है छह मूछें। चलो आपके लिए मैं बोल भी देता हूँ कि ये मूछ ग्राफ रहेगा हमारे लिए, ठीक है? हाँ जी सर। थैंक यू। नेक्स्ट ग्राफ सीखते हैं बेटा। नेक्स्ट ग्राफ कुछ नहीं, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं। तो मतलब कि आप इन दोनों में से कोई एक फॉलो कीजिए, कोई भी एक फॉलो कीजिए, पहले आप मॉड एफ ऑफ एक्स अगर आप बना दीजिए और बाद में मॉड एक्स लगा दीजिए, कहानी खत्म। समझ गए? तो अगर आप ये दो सीख गए तो बेटा ये तो अपने आप सीख गए। ना ना सर नहीं समझे, फिर से बताओ। लो जी एक रैंडम सा ग्राफ ले लिया आपके लिए, मैं मान लिया कि सर एक ग्राफ है ऐसा, ये इधर से इधर गया और इधर से इधर गया। रुक जाओ रुक जाओ, ये इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है, ये किसका ग्राफ है बेटा? लोग सर मोड एक्स नहीं, सिर्फ एफ एक्स का ग्राफ है, ये ग्राफ है एफ एक्स का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा एफ मॉड एक्स का ग्राफ बताओ, तो एफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा? अरे रे रे रे, ये ग्राफ तो सिमिलर बन गया ना, तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग। ना 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 ना, ये ग्राफ सिमिलर बन गया ना तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, मैं कुछ अलग ग्राफ बना कर। इससे कैसे करें रिलेट? रुक जा रुक जा रुक जा, गिव मी सम टाइम। आपको बोला गया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, सोचिए सोचिए कुछ और सोचिए, किसके ग्राफ बनाया था? ये सब लॉग कॉस घूम गए हम लोग, कुछ अलग ग्राफ तो बेकार सा ग्राफ तो फंक्शन बोलो। लो ई पावर मॉड मॉड एक्स, रुक जाओ, लॉग मॉड एक्स का पूरा मॉड, इसका ग्राफ बनाना है मुझे, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। मैं दो बच्चे को पकड़ता हूँ, एक बच्चे ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया कि सबसे पहले वो लॉग एक्स का ग्राफ बनाया, फिर वो वाई इज इक्वल टू मॉड लॉग एक्स का ग्राफ बनाया, फिर वो वाई इज इक्वल टू मतलब पहले फंक्शन, फिर फंक्शन में मॉड, फिर एक्स में मॉड, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स, ऐसा ग्राफ बना रहा है। दूसरा बच्चा क्या किया कि सर सबसे पहले वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बना रहा है, फिर उस बच्चे ने y इज इक्वल टू एक्स में पहले मॉड लगाया और बाद में ओवरऑल चरगल चल करके इसने मॉड लगा दिया, ये बन गया था, फिर इसमें भी मॉड लगा दिया। दोनों की बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये रहा सर। अब इसने बेटू पूरे फंक्शन में, पूरे ही फंक्शन में मॉड लगाया है, तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये नीचे वाला जो पार्टी अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल फंक्शन ये बना, अग्री करते हो इस बात से? क्योंकि फंक्शन पे मॉड लगा है ना, तो वाई का भी नेगेटिव नहीं होगा, वाई नेगेटिव मतलब नीचे वाला थर्ड एंड फोर्थ वाला ग्राफ अब सेकेंड और फर्स्ट में चला जाएगा। तो अब ओवरऑल ग्राफ कैसा बन रहा है बच्चा लोग? ओवरऑल ग्राफ बन रहा है ये ऐसा एंड उसके बाद ये ऐसा, समझ गए? अब उसके बाद क्या किया बेटा? उसके बाद उसने एक्स पे मॉड लगाया, अब ये ग्राफ बन गया हमारा। अब वो x पे मॉड लगा, x पे मॉड लगाने का मतलब होता है डिलीट लेफ्ट साइड कॉपी पेस्ट राइट साइड। अब इसमें लेफ्ट साइड में कुछ ग्राफ था ही नहीं, तो सर डिलीट करने की बात नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की बात है। तो बेटा इस ग्राफ को कीजिए कॉपी, इसको कीजिए कॉपी, इसको कीजिए कॉपी और इधर कर दीजिए पेस्ट। घूम रहे हैं ये कुछ ऐसा? ना जी नहीं, तो मतलब मेरे को हाथ से ही बनाना पड़ेगा। चलिए कोई ना, बना देते हैं, कॉपी पेस्ट करने में कितना ही टाइम लगता है बेटा। ये इधर से इधर जाएगा और फिर ये इधर से इधर जाएगा, सेम हो गया। दिख गया बच्चा लोग? तो ये कौन सा पॉइंट है? यस सर। ये कौन सा पॉइंट है? 1,0, मैंने अभी बताया था, 1 टच करके जाते हैं। अब ये कौन सा होगा? -1,0, सेम रिफ्लेक्शन।
अब उधर वाले बच्चे की बात मानते हैं कि सर सबसे पहले वो एक्स पे मॉड लगा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, लॉग एक्स का ग्राफ बनाओ, आप लॉग एक्स का ग्राफ बनाइए। सर ये रहा लॉग एक्स का ग्राफ। अब उसने क्या किया बेटा कि सबसे पहले एक्स पे मॉड लगाया। एक्स पे मॉड लगाने का मतलब डिलीट लेफ्ट साइड, कॉपी पेस्ट राइट साइड। तो ये जो ग्राफ इधर था, अब वो ग्राफ लेफ्ट साइड में था, तो राइट साइड में ऐसा हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, आ गई। अब उसने क्या किया बेटा कि अब वो ओवरऑल फंक्शन पे मॉड लगा दिया। तो ओवरऑल ग्राफ पे मॉड लगाने का मतलब कि जो ग्राफ नीचे थे अब वो ग्राफ ऊपर चले जाएंगे, जो ग्राफ नीचे थे अब वो ऊपर चले जाएंगे। नहीं समझे? समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ओवरऑल ग्राफ ये ऐसा था, नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे तो प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये ऐसा था, अब वो जो माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा। क्या दोनों के ग्राफ में कोई दिक्कत है बेटा लोग? ना सर। आपको बोला कि जो ये दोनों सीख गए, ये जो दोनों सीख गए वो तो अपने आप सीख गए। बात समझ में आई? लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डे। सो प्लीज फुल ऑफ एनर्जी के साथ देखना कि क्या हो रहा है। अगर मैं मॉड पे मॉड वाई लगा देता हूं तो क्या होता है? अब मैं मॉड वाई लगा देता हूं तो बेटा क्या होता है? तो हमारा ग्राफ यही रहेगा। मैं मान लेता हूं सर कि आप सवाल मेरे से दे रहे हो। अरे देवा, ये कलर तो दिखेगा भी नहीं, कौन सा कलर लिया जाए? ये वाला येलो ले लो। येलो, ये कलर ले लेते हैं, येलो वगैरह हो गया ना। अब मेरे से बोला था कि रुक जाओ, लॉग मॉड एक्स का ओवरऑल मॉड और फिर वाई पे भी मॉड लगाना है। सिंपल, सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिए, आप वाई पे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे जब तक आपका राइट साइड का ग्राफ कंप्लीट नहीं होता है। मैं लिख कर दे रहा हूं, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो हम वाई पे ट्रांसफॉर्मेशन तभी अप्लाई करते हैं जब राइट साइड का ग्राफ बन के रेडी हो। ठीक है। अच्छा, अब तो आपको याद हो गया है सर, ये लॉग एक्स का क्या हो रहा था बेटा, ग्राफ कैसे आ रहा था? फाइनली जरा ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ इधर से ऐसा आ रहा था, फिर ऐसा जा रहा था, फिर ये इधर से ऐसा आ रहा था, एंड ये इधर से ऐसा आ रहा था। हमने इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो सीख गया बेटा लोग, बोलिए हाँ कि ना? आप जैसे ही मॉड वाई लगाओगे, कितने लोगों को ये बात याद आ रहा है कि सर अगर मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स दिया है, या अगर मॉड एक्स इक्वल टू टू दिया है, तो हम एक्स का वैल्यू क्या लिखते थे बेटा? टू भी होगा और माइनस टू भी होगा। याद है आपको? इफ मॉड एक्स इक्वल टू टू देन एक्स प्लस और माइनस दोनों। वैसे ही मॉड वाई इक्वल टू समथिंग है तो बेटा ये समथिंग पॉजिटिव भी होगा और ये नेगेटिव भी होगा। फिल आई कि नहीं आई? आ गई बेटा। मॉड वाई इक्वल टू कुछ भी है, लेट्स से कि ये जो मर्जी आ रहा है, तो वो प्लस भी होगा माइनस भी होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा मॉड एक्स इक्वल टू 9 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर प्लस और माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस नहीं। तो 9 प्लस में भी हो रहा है और 9 माइनस में भी हो रहा है, मतलब ऊपर भी जाएगा और 9 नीचे भी आएगा। इसलिए बोला जाता है कि अब जैसे ही मॉड वाई लगा, अब ये ग्राफ को वापस से दो फोटो बनाएगा, ऊपर तो है अब नीचे भी बनाएगा। तो नीचे कैसे? तो हटा नहीं देगा नीचे वाले को। क्या बोले बेटा? सर वो नीचे वाला भी बनेगा इस बार, क्यों बनेगा? मतलब ऐसा बन जाएगा, फिर ये ऐसा बन जाएगा, फिर ये ऐसा बन जाएगा और ऐसा बन जाएगा। ओवरऑल ग्राफ ये बना है केकड़ा जैसा। नहीं समझे बेटा? ओवरऑल ग्राफ कैसा आ रहा है? ओवरऑल ग्राफ केकड़ा ग्राफ दिख रहा है ना, ये तो ये ऐसा, यहां से ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर यहां से ऐसा, फिर ये ऐसा, एंड देन इधर से ऐसा, फिर ये ऐसा,
फ्री इधर से ऐसा एंड इधर से, ये ओवरऑल ग्राफ है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब बेटा आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। होमवर्क दे दूं? आ गया सर। होमवर्क दे दूं बेटा एक? हाँ जी सर दे दो। यस होमवर्क दे, और पक्का प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। जो फेमस है मैं बता देता हूँ आपको पहले, कि बेटा प्रैक्टिस करके रखना, क्या पता कभी आपको मिल जाए लाइफ में। मॉड वाइज इक्वल टू मॉड साइन 2x तरफ बनाइएगा। Yes, आप क्या करोगे? अब सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे? साइन एक्स का। ट्रांसफॉर्मेशन साइन एक्स का, डिवाइड एक्स एक्सिस बाय 2, फिर जो नीचे वाले उनको ऊपर कीजिए, फिर जो ऊपर वाले उनको ऊपर भी रहने दीजिए, नीचे भी कीजिए, फिर मॉड वाई का बन जाएगा। ठीक है जी? हाँ जी सर। तो ग्राफ फिनिश्ड कर दिए, ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में निपटा दिया आपको। अगर इन केस किसी बच्चों को लगा कि सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में थोड़ा दिक्कत आ रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं पिछले साल के बैच में कम से कम 10 लेक्चर में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, 10 लेक्चर था ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो वीडियोस मेरे से मांगिएगा, मिल जाएगा आपको। लेकिन फिलहाल तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया था बेटा 2 वाला,